वीडियो को पूरा देखिए। भारत के संदर्भ में इतिहास में कहा गया कि मुस्लिम बादशाहों ने मरो या मुसलमान बनो कहकर भारत में तलवार से इस्लाम फैलाया। इतिहास की इस बात का जवाब हम इतिहास से ही देंगे। सन 1192 में भारत में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के रूप में इस्लाम का शासन स्थापित हो चुका था। तब से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 550 साल मुसलमानों का शासन लगातार रहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद ही यह शासन समाप्त हुआ। यहां सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है, याद करने योग्य बात यह है कि इन 550 साल के लगातार मुस्लिम शासन के बाद भी इस देश में हिंदू बहुसंख्यक था। 550 साल कितना लंबा समय होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए हम पहले 200 साल लेंगे। कोई भी व्यक्ति लगभग 25 साल में पिता बन जाता है। इसका मतलब है कि 25 साल बाद अगली पीढ़ी आ जाती है। इस हिसाब से 200 साल में 8 पीढ़ियां हो गई, यानी 200 साल पहले आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर मौजूद थे। ग्रैंडफादर को कुछ लोग बाबा कहते हैं और कुछ लोग दादा कहते हैं। यानी आज से 200 साल पहले आपके दादा के दादा के दादा के दादा मौजूद थे। लेकिन अधिकांश लोग अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम नहीं बता सकते। यानी 200 साल इतना लंबा समय होता है कि आप अपने ही उन पुरखों को भूल गए जिनकी आप संतान हैं। फिर 550 साल यानी आपकी 22 पुश्त तक इस देश में मुसलमानों का शासन रहा। और कैसा शासन रहा? इन 550 सालों में बादशाह के मुंह से निकला एक एक शब्द ही कानून होता था। वो जो चाहे सो करे, उसके किसी काम को रोकने वाला या उसमें उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक देता या उसके काम में उंगली उठा देता। तो इतने निरंकुश शासन के बाद भी 550 सालों में इस देश में हिंदू बहुसंख्यक थे। इसका मतलब क्या है कि अगर मुस्लिम बादशाहों ने मरो या मुसलमान बनो के नारे के साथ इस्लाम फैलाने के लिए तलवार उठाई होती तो इस देश का हर हिंदू या तो मुसलमान बन चुका होता और या मार दिया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया कि आप याद रखिएगा, शुरू में ही बताया कि याद रखिएगा कि 550 साल के लगातार शासन के बाद भी हिंदू बहुसंख्यक था। यह सिद्ध करता है कि इस्लाम को फैलाने के लिए मुस्लिम बादशाहों ने मरो या मुसलमान बनो कह करके तलवार नहीं उठाई। ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।